नमस्कार मंडळी, मी अतुल चव्हाण मंडळ न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो. द इव्हेंट फॉक्स अँड एंटरटेनमेंट ऑर्गनाइज द रास गरबा बडनेरा रोडवरील रास गरब्यामध्ये आपण आज आलो आहोत. आजचा 6वा दिवस 6वी माळ आणि आपण या ठिकाणी पण इथला गरबा नेमका कसा होतो गरब्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण जाऊन भेटी देतो आहोत. अमरावती शहरात प्रचंड मोठी गरब्याची धूम तुम्हाला संपूर्ण 9 दिवस बघायला मिळते आहे. खूप जबरदस्त असं गरब्याचं आयोजन आहे. आज या ठिकाणी जवळपास 1000 लोक गरबा खेळण्यासाठी आलेले आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया गरब्याचं महत्व काय आहे, त्यांच्या मते गरबा काय असतो, काय ते विशेष करतात गरब्यासाठी. चला तर मग बोलूया या सर्व रास गरबा खेळणाऱ्या मंडळींची. मेरा नाम कोमल गुप्ता है. अभी मैं कोमल नगरकर हो गई हूँ आफ्टर मैरिज और मैं 12 साल से गरबा खेल रही हूँ. गरबा रास बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खेलना. नवरात्र के 9 दिन माता के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं और नवरात्र के 9 दिन हम गरबा खेल के रास गरबा करते हैं और गरबा में बहुत ही इंजॉयमेंट होता है, बहुत मजा आता है और मुझे बहुत पसंद है गरबा खेलना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ. म्हणजे असं आपण हे 9 दिवस जे एक्सपिरियन्स करतो ते 9 दिवस ते आपल्या म्हणजे पूर्ण वर्षभर आपण त्याच्यासाठी वेट करतोय आणि लाईक नवरात्री जस्ट फुल ऑफ लव्ह लाफ्टर हॅपीनेस एन्जॉयमेंट अँड द ग्रेस वी कॅरी. जो ग्रेस आपण कॅरी करतो तो सगळं त्याच्याबद्दल असतं. मला असं वाटतं सगळ्यांनी लाईक 2-3 दिवस तरी नाही 9 दिवस तर 2-3 दिवस तरी एन्जॉय करायलाच पाहिजे. थँक्यू. मी दरवर्षी खेळायला येता इथे नवं गरबा. हो म्हणजे यायचं इच्छा नसली तरी हे जे म्युझिक वगैरे आपण ऐकतो येतात राहतात ते असं वाटतं की यार मला पण जायचं, मला पण फील घ्यायचंय. तर आपल्या पायाचं ऑटोमॅटिकली चालू होऊन जातात तर खूप एक्सपिरियन्स घ्यावं वाटतोय इच्छा नसतं तरी पण. मेरा तो गरबा आना इसीलिए संभव होता है. माता जी के सामने अपने अर्चना करते हैं, अपने तरीके से ये दिखाते हैं कि हम उनके कितने भक्त हैं. तो एक तरीका हमारा गरबा खेलना उनके सामने. हमें बस माता जी के लिए आते हैं बस गरबा खेलने को. बाकी रोज तुम्ही गरबा खेळायला येता, तुमच्यामध्ये गरबा म्हणजे नेमकं काय तुमच्यासाठी? गरबा म्हणजे आम्ही वर्षातून एकदा ते 9 दिवस जे असतात देवीचे ते म्हणजे आमच्यासाठी लहानपणापासून आम्ही दोघी पण बहिणी आहोत तर आम्ही लहानपणापासून ते 9 दिवस जातो कंपल्सरी. तर ते मिस झाल्याशिवाय वर्ष पूर्ण होत नाही असं वाटतं. सेम फेस्टिवल आहे पण त्याच्यात जितकं एन्जॉय करतो तो बाकी फेस्टिवल मध्ये नाही करतायत आणि सगळे भेटतात सोबत गरबा खेळतात तो खूप मजा येते. गरबा खेळताना जी काही मजा येते त्याबद्दल थोडं सांगा. किंवा तुम्ही गरब्याच्या आधी काही प्रॅक्टिस करता, थीम वाईज काही प्रॅक्टिस करता? सो बेसिकली 9 दिवसाचे 9 कलर्स असतात. सो त्याच्या मागे पण जी मेहनत लागते की आज कुठला कलर आहे, तू काय घालती आहे, तर त्याच्यात पण एक वेगळीच मजा असते. देन सगळे सोबत गरबा खेळतात त्याच्यात सगळ्यांचा कोणाचा हात कोणाला लागतो काही पण, पण त्याच्यात पण तेवढा एन्जॉयमेंट असतो तितकी मजा असते. तर ते आणि प्रॅक्टिस पण आहेत जे पण स्टेप्स असतात ते तिथे ऑन द स्पॉट पण तुम्ही शिकू शकता. नॉट एन इश्यू. फक्त ते सगळ्यांसोबत करायला जी मजा येते ती वेगळीच काहीतरी असते. रिलेटेड सर्वात चांगली गोष्ट कुठली वाटते तुम्हाला? की सगळेजण सोबत येतात, सोबत खेळतात आणि सगळेजण मज्जा करायसाठी येतात आणि तेच की सगळ्यात छान गोष्ट ते. मी काही सांगू इच्छित नक्कीच. आता गरबाचा सीझन म्हटला की नवीन गोष्टी, नवीन लोक, त्यानंतर जुने मित्र सोबत भेटतात आणि एक चांगला अनुभव मिळतो. आणि असं वाटतं जेव्हा कॉलेज संपलं तेव्हा त्याच्यानंतर असं वाटतं खूप दिवसांनी आपण जेव्हा येतो या ठिकाणी. सो छान वाटतं असं की आता या वातावरणात एकदम असं की बस हे असं जस संपावं असली नवरात्रीचे 9 दिवस बस एवढं. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आपके मायने गरबा क्या होता है, आपको कैसा लगता है, कैसे आप हर बार रहते हो यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस. सो गरबा इज लाइक अ डिवोशन जो हम माता रानी के लिए करते हैं. बट काफी मजा आता है ऑफकोर्स बिकॉज आप इतने सारे फ्रेंड्स एंड ऑल इतने टाइम बाद यूनाइट होते हैं एंड यू प्ले गरबा फॉर 9 डेज माता जी के अराउंड. सो इट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड स्वीट. गरबा इज लाइक द बेस्ट एनर्जी एक्टिविटी फॉर अस. यस बस उतर बोला जाएंगे. हाँ
सेलिब्रेट करत असतो आणि काय म्हणते त्याला गरबाचा पावसासाठी खेळतो सर्वजण आवडता गरबा त्यामुळे खेळतो हमें तो खेलने नहीं आया आता है हम वाइब चेक करने आए हम हमारा नाच रहे बहुत इंजॉय कर रहे मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है हम गरबा कितने पाते हैं हम ट्राई कर रहे हैं और अच्छे कर रहे हैं हमारी कोशिश कर रहे हैं गरबा अच्छा हो हम सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके पूरा पैसा वसूल है बहुत इंजॉय हो रहा है बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा सबका पूरा पैसा वसूल हो रहा है पूरा पैसा वसूल है आ जाओ गरबा तो नवरात्रि के नवरात्रि नवदुर्गा के लिए ही रहता है और हम लोग यहाँ पर गरबा खेलने के लिए भी आते हैं नवरात्रि में गरबा का रास किया जाता है नवरात्रि दुर्गा माता के लिए रास किया जाता है और बहुत अच्छा है सभी जगह इवेंट्स में खेलने भी आती हूँ और देखने के लिए भी आती हूँ कितने सालों से आप गरबा खेल रहे हो वैसे मुझे हो गए कम से कम 10 साल खेलते हुए गरबा मुझे इधर गरबा खेलने बहुत पसंद आती है और मैं रोज इधर आती हूँ मैं हम लोग नवरात्रि में हम लोग पूरे देवी के जो रूप होते हैं वो उसको पूरे सेलिब्रेट करते हैं मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ तो भी मैंने कल से दिखाया और मुझे गरबा बहुत पसंद है हेलो माइक चेक बराबर था है टॉप है जैसे अपन 9 दिन नवरात्र मनाते हैं देवी की आराधना करते हैं तो आराधना के साथ उपवास भी करते हैं और ये देवी की खुश करने के लिए देवी को अपन गरबा डांडिया खेलते हैं किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है नवरात्रि को स्पेशली महाराष्ट्र में आप बता सकते हो महाराष्ट्र में तो गरबा डांडिया और भजन वगैरह से अच्छे से सेलिब्रेशन किया जाता है और हर घर घर में भजन होता है आप जलगांव से आई हो जलगांव और यहाँ पे क्या डिफरेंस महसूस होता है आपको गरबा में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है नियर अबाउट सेम ही है और बहुत अच्छा लगा अमरावती में हर ग्राउंड पे गरबा डांडिया देखने मिलती है तो और सब जन इंटरेस्ट भी बहुत लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है यहाँ की जो मैनेजमेंट है बॉक्सर लोगों की किसी अदर लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं है ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी सर्विस बहुत अच्छी है गरबा इज अ फीलिंग फॉर अस एंड वी एंजॉय अ लॉट व्हाइल डूइंग गरबा गरबा इज एंजॉयमेंट फॉर ऑल लेडीज एंड फॉर ऑल गर्ल्स इट्स रियली एंजॉय अस विदाउट फुल ऑफ जॉयफुल मूवमेंट एंड सॉन्ग्स आर बेस्ट गरबा इज अ इमोशन फॉर अस While doing garba, we don't understand that here we are, so it is an emotion. Can you speak Hindi or Marathi? Thank you so much. Garba, Marathi kya bolu? Marathi nahi suna kya? Garba hai kam, jaise ki emotion hai, jaao jaao, hum sarvaj hai yun, garba karte hai. गरबा आम्ही सगळ्यांनी खूप शाळेतून सुट्टी टाकून इथं आलो आहे आम्ही आणि वेगवेगळे पोशाख घातले आणि आम्ही एकदम प्रॅक्टिस करून आलो आहे आम्ही 9 दिवसापासून प्रॅक्टिस करत आहे इथं आणि या राज गरबामध्ये आमचा ग्रुप सगळ्यात बेस्ट आहे आमच्या ग्रुपचं नाव आहे IT कल्चरल क्रू गरबा इज अ जॉय गरबा इज लॉट्स ऑफ पॉझिटिव्हिटी अँड फन आय लाईक व्हेरी मच गरबा I think this is the best part.
माता जी की कृपा से हमारा बेटा प्रतीक मोहता व उसका फ्रेंड्स राज पनपारा ये दोनों मिलके पिछले 4 साल से ये इवेंट ले रहे हैं और माता जी की पूरी कृपा है ये इवेंट दिनों दिन अपने बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक के साथ में बढ़ रहा है और यहाँ पे जो पब्लिक आती है सारी पब्लिक को इतनी फैसिलिटी है सीसीटीवी कैमरे में और बॉन्सर लेडीज बॉन्सर सिक्योरिटी फुल है हमारे यहाँ पे कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है हर चीज बराबर मैनेज किया जाता है और सबसे मेन बात है कि जो फैमिली आती है फैमिली के साथ में ना कभी धक्का हुई ना उक्की हुई हर चीज पूरा सिक्योरिटी में देखा जाता है रोज उसका सीसीटीवी कैमरे में चेक होता है कि कहीं किसी ने कुछ बदतमीजी तो नहीं किया है वो सब देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं ये सब माता जी की और अमरावती की जनता का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथ में जय माता जी।